साल के अंत में होने वाले विधानसभा चुनाव के मद्देनजर कांग्रेस के राष्ट्रीय अध्यक्ष राहुल गांधी मध्य प्रदेश में 2 दिवसीय दौरे पर चित्रकूट में पहुंचे हैं। ऐसे में राफेल विमान सौदे को लेकर उन्होंने अपना हमला जारी रखते हुए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पर जमकर हमला बोला। ऐसे में उन्होंने कहा कि प्रदेश का युवा, किसान और मजदूर अब समझ चुका है कि मोदी झूठे हैं। मध्य प्रदेश में चुनावी चौसर बिछते ही कांग्रेस अध्यक्ष राहुल गांधी का मिशन विंध्य शुरू हो चुका है। भोपाल के बाद अब वो विंध्य में कांग्रेस के पक्ष में माहौल बनाने के लिए सड़कों पर उतरे। चित्रकूट में कामतानाथ मंदिर में दर्शन के बाद उन्होंने राजौला में पार्टी के चुनाव अभियान का बिगुल फूंकते हुए भाजपा कार्यकर्ता महाकुंभ पर निशाना साधा। पीएम मोदी पर तंज कसते हुए कहा कि प्रधानमंत्री ने 1.5 घंटे भाषण दिया लेकिन राफेल पर उनके सवाल का जवाब नहीं दिया। राहुल ने एक बार फिर कहा कि देश का चौकीदार चोरी कर गया। नरेंद्र मोदी जी ने 1.5 घंटे का भाषण दिया, उसके बाद राफेल के बारे में नरेंद्र मोदी जी ने एक शब्द नहीं बोला, मेरे सवालों का जवाब नहीं दिया। और जब मैंने उनसे आंख में आंख मिलाकर पूछा, भैया बताओ अनिल अंबानी को क्यों आपने कॉन्ट्रैक्ट दिया, तो कभी नरेंद्र मोदी उधर देखे, कभी ऊपर देखें, कभी साइड देखें, कभी नीचे देखें, मगर मेरी आंख में आंख हिंदुस्तान के युवाओं के आंख में आंख नहीं मिला पाए। भाइयों और बहनों, हिंदुस्तान के चौकीदार ने चोरी कर दी। वहीं राहुल ने भाजपा महाकुंभ में जुटने वाली भीड़ को लेकर तंज कसते हुए कहा कि ट्रेनें खाली, बसें खाली और मोदी जी के भाषण में कुर्सियां भी खाली। उन्होंने कहा कि देश का किसान, मजदूर और युवा जान चुका है कि वो झूठ बोलते हैं और इसीलिए ट्रेनें खाली, बस खाली और उनके भाषण में कुर्सियां खाली। ये कारण है क्योंकि आज किसान नरेंद्र मोदी की ओर देखता है कहता है झूठा है, मजदूर नरेंद्र मोदी जी की ओर देखता है कहता है झूठा है, किसान नरेंद्र मोदी जी की ओर देखता है जो कहता है झूठा है, युवा नरेंद्र मोदी जी की ओर देखता है कहता है नरेंद्र मोदी जी ने चोरी करी है, अनिल अंबानी को पैसा दिया। राहुल गांधी ने युवाओं से कहा कि मैं, कमलनाथ और सिंधिया जी आपके दुख दर्द को समझते हैं, आप रोजगार चाहते हैं, हम आपसे वादा करते हैं कि हमारी सरकार आते ही आपके रोजगार को हम अपनी प्राथमिकता में शामिल करेंगे। और युवाओं को मैं कहना चाहता हूं, मैं आपका दुख और दर्द समझता हूं और कमलनाथ जी और सिंधिया जी आपके दुख और दर्द को समझते हैं, हम जानते हैं कि आप देश की सेवा करना चाहते हो, आप किसी से तोहफा फ्री गिफ्ट नहीं चाहते हो, आप सिर्फ अपने देश की मदद करने के लिए रोजगार चाहते हो। और मैं आपको यहां से कहता हूं कि जैसे ही हमारी सरकार आएगी हम पूरा का पूरा दम आपको रोजगार देने में लगा देंगे। जो भी हमारे अंदर है, चाहे वो सिंधिया जी हो, कमलनाथ जी हो, मैं हूं, जो भी हमारे अंदर है पूरा का पूरा दम मध्य प्रदेश के युवाओं को रोजगार देने में हम लगा देंगे। कुल मिलाकर मध्य प्रदेश में कांग्रेस का सियासी वनवास खत्म करने के लिए राहुल गांधी पूरा जोर लगा रहे हैं। अब देखना होगा कि राहुल के भाषणों का कितना असर होता है। ब्यूरो रिपोर्ट, एमपी न्यूज, सतना।